नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता आधार ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं फरवरी माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो शुरू करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, इसके मनाए जाने के पीछे कारण है, 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना एफ रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर की गई। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य है कि उन वीर जवानों को याद करना जिन्होंने अपने जान की बाजी देश की सेवा में लगा दिया, और यह दिवस 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब है 2 फरवरी, विश्व वेटलैंड दिवस यानी आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में हुआ। यह दिवस 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मानव और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आगे है 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी 1933 को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की स्थापना जेनेवा में हुई थी। यह दिवस प्रतिवर्ष 2005 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा उसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए। अब है 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, जो प्रेम का प्रतीक है। रोम के राजा क्लॉडियस ने राज्य में सैनिक व अधिकारियों की शादी पर रोक लगा दिया। उनका मानना था कि शादी करने से पुरुषों का दिमाग और शक्ति दोनों खत्म हो जाती है, लेकिन संत वैलेंटाइन ने लोगों को शादी के लिए प्रेरित किया। तो राजा को ये राजा के आदेश की खिलाफत थी। राजा को लगा कि ये मेरे आदेश का विरोध कर रहे हैं, अतः इन्होंने उन्हें फांसी दे दी। और इस दिन को उन्हीं संत वैलेंटाइन को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है कि प्रेमी एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। अब 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यह प्रतिवर्ष 2007 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु। 21 फरवरी है विश्व मातृभाषा दिवस। 21 जनवरी 1952 में बांग्ला भाषा के लिए आंदोलन हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों ने बलिदान दी थी। यानी 21 जनवरी 1952 में बांग्ला भाषा के बलिदान की स्मृति में प्रतिवर्ष 1999 से यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भाषा और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के बारे में जागरूकता फैलाना। आगे है 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है आम लोगों को उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना। और अंतिम है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी और यह दिवस प्रतिवर्ष 1986 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि विज्ञान विद्यार्थियों एवं जनमानस को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना एवं आकर्षित करना। इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी, ना कि सीवी रमन का जन्मदिन था। तो ये था आज का अंक। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के सामने ला सकूँ। धन्यवाद।